नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के आते ही बहुत अलग अलग चीज़ें घरों में बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपने आप को गर्म भी रखना है और स्वादिष्ट चीज़ें भी खानी हैं। तो उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है पंजीरी। जी हाँ, वैसे तो ये पंजाबी घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन ये पंजाबियों के अलावा मारवाड़ी भी बनाते हैं, राजस्थान में तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है बहुत पंजीरी खाई जाती है। तो चलिए, ये इंडिया की फेवरेट पंजीरी बनाते हैं, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, फुल ऑफ हेल्थ, फुल ऑफ गर्माइश एंड फुल ऑफ फ्लेवर। अब सबसे पहले यहाँ पर हम गोंद को भूनेंगे, तो 2 चम्मच घी लगेगा गोंद को हमें भूनने में। गोंद यानी कि एडिबल गम, ये आसानी से बाज़ार में पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है। मेन चीज़ ये है कि जो गोंद है ना, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। आपके जोड़ों के दर्द के लिए गोंद का पाउडर या गोंद की कोई भी चीज़ बना के खाएंगे, गोंद के लड्डू भी हमने आपके लिए बनाए हुए हैं पहले, आप वो भी बना के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ सर्दियों में इसलिए खाई जाती है क्योंकि सर्दियों में जॉइंट्स थोड़े से अकड़ने लग जाते हैं या दर्द होना शुरू हो जाता है। अब गोंद का जो पाउडर है वो आप बना के रख सकते हैं, घी में भूने पहले, वो फूल जाएगा, उसका पाउडर बनाएं और वो गोंद का पाउडर हल्का हल्का अपने दूध में मिक्स करके पी लीजिए, बहुत मज़ा आएगा और साथ में बोन्स को भी आराम मिलेगा। लेकिन पंजीरी बना के रखेंगे तो और मज़ा आएगा। अब एक मेजर टिप गोंद के बारे में ये है कि सारी की सारी गोंद एक साथ मत डालें, वो फूलेगी नहीं, इसलिए आधी आधी करके डालेंगे। ज़्यादा घी चाहिए होता है गोंद को फूलने के लिए, इसलिए जैसे ही ये जितनी हमने डाली है वो फूल जाए, उसके बाद बाकी और डाल देंगे। अगर थोड़ा सा घी और डालना पड़े तो डालिए, क्योंकि सारी चीज़ें पंजीरी के अंदर ही जाने वाली हैं। गोंद को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोंद पकेगी नहीं तो मुंह में चिपचिपा एक टेक्सचर छोड़ती है जो कि बहुत इरिटेटिंग लगता है, और कच्ची गोंद खाई भी नहीं जाती है। तो इसलिए गोंद को अच्छे से पकाना है और उसे फुला लेना है। गोंद की एक और ख़ास बात यह है कि जैसी गोंद पक जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो अब ये पक चुकी है, इसे निकालेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब करीबन 2 चम्मच घी और डालेंगे और उसके अंदर जो ये हार्ड वाले ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम अच्छे से बढ़िया से टोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/2 कप अखरोट यानी कि वॉलनट्स, करीबन 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप से थोड़ा कम अलसी के दाने क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, वाटरमेलन सीड्स, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। और आखिरी में करीबन 2 कप मखाने, मखाने ज़्यादा इसलिए क्योंकि मखाने वॉल्यूम में ज़्यादा होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, मखाने भी क्रिस्पी हो जाने चाहिए नहीं तो पिसेंगे नहीं, तो अच्छे से हल्की आंच पे इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। घी में जब मेवे भुनते हैं ना तो मतलब एक इतनी प्यारी स्मेल आती है, अभी तो सूजी भुनेगी, कोकोनट भी भुनेगा, मतलब आप सोचो जब पंजीरी घर में बनती है ना तो मतलब पड़ोसियों को पता चल जाता है कि भैया पंजीरी बन रही है ना, थोड़ी सी हमें भी दे देना। तो यहाँ पर हम पंजीरी बना रहे हैं, खुशबू आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत आसान है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जाइए दबा लीजिए, आप हमारे परिवार के भाग बन जाएंगे, आप तक भी ये खुशबू हर हफ्ते पहुँचेगी। जब सारे हार्ड नट्स ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ तब इसमें हम डालेंगे ये खारिक यानी कि ड्राई डेट्स, इसको हमने बीज निकाल के चॉप करा है, और साथ में डाल रहा हूँ मैं किशमिश। अभी लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं गर्मी से, और इन्हें हमें पीसना है इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये गोंद बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, अब ये क्रिस्पी गोंद को हमें क्रश करना है। मेक श्योर कि अगर आपकी गोंद क्रिस्पी ना हो तो इसको थोड़े से घी में और पका लीजिए, अगर गोंद फूलेगी नहीं तो पिसेगी भी नहीं। अब इसका हम एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। गोंद का दरदरा पाउडर बन चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब उसी ग्राइंडर जार में जो सारे नट्स हमने रोस्ट किए हैं उसे भी हम पाउडर कर लेंगे। थोड़े से नट्स को हम गार्निश के लिए निकाल लेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है इसमें ऑब्वियसली अलसी के दाने जो हैं वो पिसते नहीं हैं। आप अगर किसी ओल्ड को ये सर्व कर रहे हैं तो इनका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं मिक्सी में, अदरवाइज़ ये दरदरा पाउडर बढ़िया है। यहाँ पे गोंद भी दरदरी है और ये नट्स भी दरदरे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें भूननी है वो है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपको नॉर्मल कोकोनट मिलता है उसे ग्रेट करके आप उसे भून के उसका भी पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले डेसिकेटेड कोकोनट भूनेंगे, फिर सूजी भूनेंगे, फिर गुड़ की चाशनी बनाएंगे और पंजीरी रेडी कर देंगे। क्योंकि कोकोनट में अपना खुद का भी ऑयल होता है इसलिए हल्के घी में, एक बड़े चम्मच घी में इस कोकोनट को हमें लाइटली रोस्ट करना है। फाइनली हमें भूनना है सूजी को, जिसको हम 4 बड़े चम्मच घी में भूनेंगे। यहाँ पर 1 कप सूजी ली गई है और उसे भी हल्की आंच पे ब्राउन करना है। पंजीरी की जो मेन बॉडी है वो सूजी से ही आएगी। अब सूजी को खिलना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होना है, पक जाना है और फिर उसके बाद इसे हम गुड़ की चाशनी में जब पकाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत बढ़िया से आ जाएंगी। अब मेन चीज़ पंजीरी की ये होती है कि जो ड्राई फ्रूट्स है, गोंद है, कोकोनट है, ये सारी पौष्टिकता देते हैं और हमारी बॉडी में गर्माइश देते हैं। सूजी जो है वो उसे स्वाद भी देती है, बॉडी भी देती है। ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि चाशनी डालने से पहले ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। छोटी इलायची को मैंने चीनी के साथ पीसा है। यहाँ पर 6 से 7 इलायची मैंने इस्तेमाल की हैं और उसको 1 चम्मच चीनी के साथ पीस लिया ताकि आसानी से पिस जाए। अब ये इलायची के 2 छोटे चम्मच भी इसमें डाल देंगे। वो सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है। अगेन सौंठ पाउडर आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अब पंजीरी की जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हमने मिक्स कर लिया है। खुशबू के लिए हमने इलायची डाली है और गर्माइश के लिए सौंठ का पाउडर जो कि फ्लेवर भी देगा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये पंजीरी है, इसमें अभी मिठास जाएगी। कुछ लोग बूरे की मिठास डालते हैं, कुछ लोग गुड़ की मिठास डालते हैं। हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी डालने वाले हैं। अब 1 बड़ा चम्मच घी हम गर्म कर रहे हैं, उसमें मैं 1 कप जैगरी डाल रहा हूँ और उसको मेल्ट करेंगे। अब गुड़ को घी के साथ मेल्ट करने का रीज़न ये है कि जब वो पंजीरी में जाएगी तो पंजीरी को एक जगह लंप नहीं बनाएगी, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। पंजीरी जो है वो अलग अलग बनेगी। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए आपको 2 से 3 चम्मच पानी भी डालना होगा ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये बार बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 लेडल पंजीरी का जो मिक्सचर है वो डाल रहा हूँ और साथ में थोड़े से जो ये नट्स हैं इन्हें भी मिक्स कर रहा हूँ ताकि थोड़ी बाइट भी आएगी। मखाना निकाल देते हैं क्योंकि मखाना जो है उसे वो बाइंड करने में मुश्किल करेगा।
अब 2 से 3 चम्मच गुड़ की चाशनी इसमें डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बटर पेपर में या फिर नॉर्मल क्लिंग रैप में इसे एक अच्छा सा बार का शेप दे दें और फिर इसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर। जो घी है और जो गुड़ है उसकी वजह से ये बार जम जाएगा। अब ये पूरा का पूरा बार आपके टिफिन में जा सकता है, नहीं तो आधा खा सकते हैं, अप टू यू। पूरा बार ले जाएंगे तो सबके साथ शेयर भी कर पाएंगे। अब नॉर्मल पंजीरी बनाने के लिए जो बाकी मिक्सचर बचा है उसमें ये गुड़ की चाशनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से हमें मिक्स करना है। चाशनी अगर गर्म नहीं है तो आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो गुड़ की चाशनी है वो काफ़ी कम है और जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए अच्छी तरह से जब मिक्स करेंगे तो पंजीरी बिल्कुल बढ़िया खुली खुली बनेगी। आखिरी में जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े से निकाले थे ऊपर से मिक्स करने के लिए वो भी डाल देंगे। खुशबूदार, टेस्टी एंड वेरी वेरी पौष्टिक नानी और दादी की ये रेसिपी जो है ना पंजीरी की, ये अब आपके घर में बननी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो ये ज़रूर से बनाइए और इसे एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए। ये नानी दादी की याद तो है ही है लेकिन साथ में फुल ऑफ पौष्टिकता और सर्दियों में बहुत काम की चीज़। अगर जोड़ों में दर्द है तो इससे आराम मिलेगा। अगर ठंड ज़्यादा लगती है इससे आराम मिलेगा। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो ये 1-2 चम्मच खा लीजिए, आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये बन गई पंजीरी घर पे डब्बे के अंदर बंद करके रखने के लिए और कभी भी मन आए उठा के खाने के लिए। और ये बन गया है लेटेस्ट मार्केट में पंजीरी बार। जी हाँ, अब इसे आप फ्रिज में रखिए और उसके बाद काट के ले जाइए टिफ़िन बॉक्स में डालकर। मज़ेदार डेजर्ट है, मज़ेदार फिलर है, बहुत अमेजिंग है, प्रोटीन रिच है, बना के तो देखो। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।